क्या खरीदा चल रही है, क्या नहीं चल रहा है? हाँ, क्या नहीं चल रहा है? खरीदारी वही चल रही है जो इनको पसंद आ रहा है, जो इनको पसंद आएगा वो खरीद लिया जाता है, और कोई ऑप्शन नहीं रहता क्योंकि ये खुद ही पकड़ लेती है, बैग तैयार करके रखते हुए भी हो गया अब हो गया है। अच्छा, सो बाकी इनको मेकअप का बहुत शौक है, करती बेशक बहुत कम है पर फिर भी लेने का बहुत शौक है। आई लव शॉपिंग, सो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके रखना, आई शुड फील स्पेशल दैट आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ, जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है भले मैं यूज़ करूँ ना करूँ, बट या आई मीन वी बोथ आर शॉपिंग, ही लव्स टू बाय क्लोथ शूज एंड आई थिंक वी बोथ लव शॉपिंग, सो so for the first time he is feeling responsible because prince has become husband now so that's so sweet. Wo pehle meri taraf dekhta hai, kehta hai you buy, I will not buy, and I'm like nahi you buy. ye to abhi jab ja raha hu har jagah mein store mein samaan rakha hua hai, billing mein pata chalega wo aise bhi hoti rehti hai mere ko shauk, main jab bahar jata hu so main apne liye shopping nahi karta hu, hamesha inhi ke liye lekar aata hu, mujhe shauk hai. जब ये कहते हैं मुझे शॉपिंग करनी है तब मुझे होता है कि अभी तो करके आया हूँ, और जब भी नहीं होती तो मैं मन करता है इसके लिए ख़रीद लेता हूँ, सो तब मैं ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ, बट हमारी लाइफ में ये है कि शॉपिंग से ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एवरी डे वी शुड बी हैप्पी, ओके अगर अगर आप शॉपिंग इज़ अ रीज़न देने वाली है या प्रिंस को यहां से खरीद के, हां वो आप मुझे एंड में पूछिएगा, अभी हम राउंड लगा रहे हैं क्या पसंद आएगा वो तो डिपेंड ऑन हिम. अभी नहीं नहीं ये मेकअप पसंद कर चुके हैं, मेकअप हो चुका है, और अभी हम इनके लिए बहुत जो अभी और ख़रीदना है वो अभी अभी राउंड लगाएंगी, अभी सिर्फ हमने एक एक बार देखा है, अभी जो बाकी जो इनके यू नो जो फेवरेट शॉप्स हैं वो पड़ी हैं वहाँ जाएंगी, और ये जो खरीद जाते हैं कभी रोकता नहीं. ओके, इसी के साथ में दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली की कैसी क्या तैयारी चल रही है? दिवाली हम जैसे हमारी पहली दिवाली है शादी के बाद, हम घर जा रहे हैं मेरे, सो वहाँ पर हम सेलिब्रेट करेंगे और हम फैमिली से टाइम स्पेंड करेंगे, यू नो बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, और इनको जो पसंद है हम बाहर पार्टी करने जाएंगे, सो वहाँ पे थोड़ा टाइम हिल्स पे जाएंगे. एक्चुअली कितनी स्पेशल दिवाली होने वाली है? इट्स गोइंग वेरी स्पेशल, वेरी डिफरेंट, एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आफ्टर मैरिज एक्चुअली जब हम साथ में होते हैं अकेले तो हमें लगता है कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट व्हेन वी आर विद द फैमिली देन आई फील कि येस लॉट ऑफ थिंग्स फ्रेंड्स आर कमिंग एंड फैमिलीज आर कमिंग, सो इट बिकम्स मोर स्पेशल एंड ह्यूज, सो इट्स वंडरफुल फीलिंग यू नो, एंड आई लुक एट हिम, इट्स एवरी डे इज अ फेस्टिवल फॉर मी. जिस तरीके से युविका ने कहा कि शादी के बाद कोई चेंज हुआ, आपकी पर्सनल लाइफ में कितना बदलाव आया है? हमारे एक्चुअली में हम दोनों सेम हैं बिल्कुल जैसे थे यू नो, बट फ़र्क ये आ जाता है कि जब तुम साथ रहना शुरू कर देते हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो तुम देखते हो कि नाउ दैट्स इट, यू नो दिस इज योर लाइफ, अब तुमने फ्यूचर प्लान करना है पूरा, सो वो रिस्पॉन्सिबल इंसान खुद ही बन जाता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे आ जाती है और सोचता है कि अब तुमने फैमिली प्लान करना है, सब कुछ करना है, सो उसके अकॉर्डिंगली हर इंसान चेंज होता है. अरे हम मेरी पिछली बार की भी है, पिछले 3 साल से लाइक लास्ट ईयर मैं पहले दिवाली यहाँ बनाकर गया था, देन अपने घर गया था, उसके पिछले साल हम दोनों ने दिवाली मेरे घर पे बनाई थी, सो हम हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं, और इस बार हमारी कुछ स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस बार हम शादी के बाद घर जा रहे हैं, सो वेरी एक्साइटेड. I think it's going to be very emotional and very different Diwali for me because for the first time I'll be away from my family, plus I'll be added in a new family, so I'm going to see the different culture, different atmosphere, more loving and more different things, so for me it's going to be beautiful and different. I've been meri ek alag memory banne wali hai, so now up to him, how he's going to show me his entire different Punjab Diwali. भाई अभी हम इसकी बात करते हैं, बिग बॉस की बाद में करेंगे. थैंक यू सो मच, एंड हम सबको बोल जाएंगे यार जो हमें प्यार करते हैं कि थैंक यू सो मच कि आप हमें प्यार करते हैं और आपकी वजह से हम साथ हैं, और हैप्पी दिवाली. प्लीज़ बहुत सेफ तरीके से खेलना, अगर क्रैकर्स चलाने भी हैं तो बहुत ध्यान से, वरना मत चलाओ, और सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, खाना खाने जाओ, और बहुत सारी बातें. थैंक यू. स्नोला और इजी मॉल के सारे सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली. हाय गाइस, दिस इज प्रिंस स्नोला और इजी मॉल के सारे सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली.
सिर्फ एक आंसर देना कि इंडिया में कितने साइड अपन फोटो लेने लग रहे हैं फोटो भाई भाई आई डू समथिंग लाइक बूम वगैरह चेक यार भाई ऊपर नीचे ऊपर नीचे भाई भाई फोटो भाई भाई फोटो भाई